सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करना हाँ। दोस्तों असी अज की इस वीडियो दे विच सोशल साइंस दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जिस दे विच असी अज की इस वीडियो विच पार्ट डिस्कस करांगे केंद्रीय सरकार दे नाल संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करन तो पहला अगर तुम चैनल पर नवे हो तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल में सबसक्राइब करो तो इस बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस ही क्वेश्चन शुरू करते हैं। केंद्रीय सरकार के नाल संबंधित मल्टीपल क्वेश्चन है। सब तो पहला क्वेश्चन है कि संसद के किन्ने भाग होंगे। ऑप्शन है जी 2, 3, 4 ते 5। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी। संसद के 3 भाग होंगे, एक लोकसभा, राज्यसभा अते राष्ट्रपति। सैकेंड क्वेश्चन है हेठां विचों संसद के भाग हैं। ऑप्शन एक है कि लोकसभा अते राज्यसभा, ऑप्शन बी है लोकसभा, राज्यसभा अते राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा अते प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा अते सुप्रीम कोर्ट। इज़ द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मंत्री परिषद का मुखी कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है जी मंत्री परिषद का मुखी होता है प्रधानमंत्री। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोकसभा का मैंबर बनने लिए घट्टो घट उम्र कितनी होनी चाहिए है। 30 साल, 21 साल, 25 साल, 35 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है जी 25 साल। नैक्सट क्वेश्चन है हेठला सदन है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या ए अते सी दोनों ही। इसका राइट आंसर जो हेठला सदन है वह होता जी लोकसभा। अगर उपरले सदन की गल करते हैं तो असं कहने जी राज्यसभा। तो हेठला सदन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिस कि देश के दे आम चोणां पहली बार कदों हुई 1951-52 च या 1952-53 च या 1949-50 51। इसका राइट आंसर है जी 1951-52 के। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोकसभा का गठन कदों होया। 1949, 1947, 1952 या 1951। इसका राइट आंसर है जी 1952 के होया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 है कि लोकसभा से वध तो वध मैंबर हो सकते हैं। ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी 545, 550, 552, 555। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जी। जो वध तो वध मैंबर है वह किन्ने हो सकते हैं 552 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिस दे विच कि वर्तमान विच लोक सभा दे किन्ने मैंबर हैं। ऑप्शन ए 545, 550, 552, 555। इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए है जी 545 इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति लोक सभा विच किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है। 12, 14, 15 या 0। इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी 0। राष्ट्रपति लोकसभा विच किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है जी 0 लोकसभा दे विच। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 11 जिस दे विच कि राष्ट्रपति संसद दे विच किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है। ऑप्शन 12, 2, 12, 15। इस दा ऑप्शन आ जाएगा जी ऑप्शन बी आ जाएगा। राष्ट्रपति संसद दे विच किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है जी 2 मैंबर नामजद कर सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकसभा के मैंबर का जिहड़ा कार्यकाल है वह किन्ने समय का होंदा है। 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिक्स नहीं है, नॉट फिक्सड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है जी 5 साल का होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा नूं कौन भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी है जी राष्ट्रपति। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 14 है जिस दे विच है कि राष्ट्रपति लोकसभा नूं किस दी सिफारिश ते भंग करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद या स्पीकर। इस दा राइट आंसर आ जाएगा जी मंत्री परिषद की सिफारिश ते भंग कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जिस दे विच है कि संकट काल समय संसद का कार्यकाल एक समय विच किन्ने समय दे लई वधाया जा सकता है। एक साल लई, 6 महीने दे लई, 2 साल दे लई, जां 8 महीने दे लई। इसका राइट आंसर है जी 6 महीने दे लई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जिस दे विच है कि संसद दे मैंबरां, मंत्रियां, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि की तनखा कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट या वित्त मंत्री? तो इसका राइट आंसर है जी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जिस दे विच कि लोक सभा विच सब तो वध सीटां किहड़े राज दीआं हन? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है जी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिस दे विच है कि लोक सभा दे विच वध तो वध पंजाब दे लोक सभा विच किन्नियां सीटां हन? तो ऑप्शन है 117, 7, 17 जां 13। तो लोक सभा दीआं सीटां किन्नियां हन? इसका ऑप्शन है जी 13। लोक सभा दीआं सीटां किन्नियां हन? 13। अगर राज्यसभा की गल करते हैं तो राज्यसभा दीआं 7 सीटां हन। तो नैक्सट क्वेश्चन नंबर 19 है जिस दे विच है कि दिल्ली तो लोक सभा दीआं किन्नियां सीटां हन? तो दिल्ली तो जिहड़ी लोक सभा दीआं सीटां है उसका राइट आंसर आ जाएगा जी 7 सीटां हन लोक सभा दीआं दिल्ली तो। नैक्सट क्वेश्चन है 2019 की लोक सभा दीआं चोणां डैश लोक सभा दीआं चोणां ही 15वीं लोकसभा ही, 16वीं, 17वीं जां 18वीं? इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा, 17वीं लोकसभा दीआं चोणां होईआं जी। हुण जो 2024 दे विच होणगीआं इह होएगी 18वीं लोकसभा। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 21 है जिस दे विच है कि लोकसभा दे स्पीकर दी चोण कौन करदा है? लोकसभा मैंबर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी स्पीकर? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी लोकसभा मैंबर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 22 है जिस स्पीकर अपने अहुदे का इस्तीफा किस नूं दिंदा है? राष्ट्रपति नूं, प्रधानमंत्री नूं, डिप्टी स्पीकर नूं जां उपराष्ट्रपति नूं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी डिप्टी स्पीकर। नैक्सट क्वेश्चन है कि स्पीकर की गैरहाजिरी विच लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिप्टी स्पीकर या उपराष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी डिप्टी स्पीकर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्यसभा का गठन कदों होया? राज्यसभा का गठन कदों होया? 1949, 1947, 1952 या 1951? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है जी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है केड़ा सदन एक स्थाई सदन है? एक स्थाई सदन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या बी ते सी दोनों? इसका राइट आंसर है जी जिहड़ा स्थाई सदन है उन्हों से कहने जी राज्यसभा, जिहड़ा अस्थाई है उन्हों से कहने जी लोकसभा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना जी बी, जो स्थाई सदन है ऑप्शन बी राज्यसभा इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 26 है जिस विच राज्यसभा दे वध तो वध मैंबर हो सकते हैं? 250, 252, 245, 240? इसका राइट आंसर है जी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है जिस विच है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विच नामजद किते 2 मैंबर होंदे हैं, वो एंग्लो इंडियन, समाजवादी, विज्ञानी, कलाकार? इसका राइट आंसर आ जाएगी एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है जिस विच हाउस ऑफ पीपल तो लोकसभा अते काउंसल ऑफ स्टेट तो राज्यसभा कदों किया गया? हाउस ऑफ पीपल तो लोकसभा कर दिता गया अते काउंसल ऑफ स्टेट तो कर दिता गया राज्यसभा, वो किहड़े सन दे विच किया गया? 1953, 1952, 1954 विच या 1956 दे विच? इसका राइट आंसर है जी 1954 दे विच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है वर्तमान विच राज्यसभा दे किन्ने मैंबर हन? ऑप्शन है जी 245, 250, 252, 255? इसका राइट आंसर आ जाएगा जी 245। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है जिस दे विच है कि राष्ट्रपति राज्यसभा विच किन्ने मैंबर नामजद कर सकता है? 2, 12, 14 ते 16? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है जी 12 मैंबर राष्ट्रपति राज्यसभा विच नॉमीनेट कर सकता है, नामजद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है
31 आ गया, जिस विच कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा विच नामजद किए मैंबरां दा एक आधार नहीं है, विज्ञानी, समाज सेवी, एंग्लो इंडियन जां साहित्यकार, इस दा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन ही होंदा जी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा दे मैंबरां दा राज कार्यकाल किन्ने साल दा हुंदा है, 5 साल, 6 साल, 4 साल या अनिश्चित, इस दा राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन बी, 6 साल। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 33 है, जिस विच राज्यसभा दे किन्ने मैंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है 1/3, अद्धा या 2/3 या 1/4, तो इसका राइट आंसर है जी 1/3 हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 34 है, जिस राज्यसभा का मैंबर बनने के लिए न्यूनतम जी उम्र है वह कितनी होनी चाहिए है, 30 साल, 25 साल, 35 साल, 21 साल, इसका राइट आंसर है जी 30 साल। क्वेश्चन नंबर 35 है, जिस राज्यसभा का जो पदेन सभापति जो है कौन होंदा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जिन्हें तुसी चेयरमैन कह सकते हो, या प्रधानमंत्री या स्पीकर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा का उपसभापति अपने कार्यकाल का इस्तीफा किसनों दिंदा है, क्वेश्चन नंबर 36, इसे ऑप्शन है स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर जी उपराष्ट्रपति देगा। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस है कि भारत के पहले राज्यसभापति कौन सी, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राधा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे वी मलवलंकर, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए है जी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सी पहले राज्यसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे वी मलवलंकर, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी है जी, जे वी मलवलंकर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत के संविधान के सभापति सूची का सिद्धांत किहड़े देश तो लिया गया सी, क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी आस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिस है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का मैंबर नहीं है वह वध तो वध किन्ने समय लई प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने या 2 महीने, तो इसका राइट आंसर है जी 6 महीने। तो ये असी 1 तो लैके 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो नैक्सट वीडियो असी इसका नैक्सट पार्ट डिस्कस करांगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद, जय हिंद।